देर आर टू काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। एक होते हैं जैसे अभी नॉर्मल डिसअपॉइंटमेंट है, मैं कोई काम कर रहा था, मैंने एग्जाम दिया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट है। दूसरा डिसअपॉइंटमेंट होता है लव डिसअपॉइंटमेंट। तो जैसे आप देखोगे कि लव डिसअपॉइंटमेंट में लाइकोपोडियम नहीं है, लेकिन एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में लाइकोपोडियम है। देखिए नहीं है ये डिसअपॉइंटमेंट में एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट में लाइको जैसी मेडिसिन मिलेगी आपको, और आपको एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट में लाइको नहीं मिलेगी है। इसमें आपको रहता हर साइनस मिलेगी। लव डिसअपॉइंटमेंट हर साइनस कैसे दिखता है, कैसा होता है? नेटर में तो चलो समझ में आता है भाई, हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, खुदा के मुझे तो वही गाने याद आते हैं। वो कौन सा सुना पीयूष आ गया तो गाना सुना तू फूल बने पतझड़ का तुझ पे बहार ना आए कभी मेरी तरह तू तड़पे तुझको करार ना आए कभी तुझको करार ना आए कभी जिए तू इस तरह की जिंदगी को तरसे मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। मेरे दुश्मन तो मेरी दोस्ती को तरसे, मुझे गम देने वाले तू जिंदगी में हर खुशी को तरसे, तो फूल बने पतझड़ का अब तुम मौसम हो तुझ पे बहार ना आए कभी। आज क्या था मेरी तरह है तू तड़पे उसको करार उसको करार कभी चैन आराम मिले ना कभी जिए तू इस तरह जिंदगी तू इस तरह जिए कुड़ कुड़ के तू जिंदगी को तरसे, मुझे गम देने वाले तू हर खुशी को तरसे। ये क्या था ये कर्सी, इतना जबरदस्त कर्सी, इतनी जबरदस्त कर्सी, इतनी जबरदस्त कर्सी। अरे ठीक है छूट गई चली गई चली गई, लेकिन इतना ऐसे कौन करता है, ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन करता है, ऐसे नेटवर्क कौन करता है। अरे ये भी लव डिसअपॉइंटमेंट है। दूसरा थोड़ा नाइटर का माइनर टाइप का लव डिसअपॉइंटमेंट। हाँ अरे तुम गाओ हम साथ लेके बारे में मुझे मुझे याद नहीं कौन सा गाना बता रही। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तड़पता हुआ जब कोई छोड़ तुम्हें छोड़ दे तो बोला भाई तो भूल जाए तब कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तब तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे तब तुम मेरे पास आना तब तुम मेरे पास आना प्रिय मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं कई चाहने वाले मिल जाएंगे अभी रूप का एक सागर हो तुम कमल जितनी चाहोगे खिल जाएंगे ये दर्पण तुम्हें जब डराने लगे जवानी भी दामन छुड़ाने लगे तब तुम मेरे पास आना। ये दीपक जला है जला ही कहते हैं अरे कि nobody can love more than electron। इतनी शिद्दत से कोई किसी को चाह नहीं सकता लेकिन शिद्दत से electron किसी को चाह सकता है। nobody can hate more than electron। इतनी शिद्दत से कोई किसी को नफरत भी नहीं कर सकता है इतनी शिद्दत से electron कर सकता है कि तू फूल बने पतझड़ का तुझ पे बहार ना आए कभी
तुम ऐसे कुड़ कुड़ के जिए जिंदगी को तरसे, तुम मौत को तरसे, इतनी नफरत कौन कर सकता है। ये नफरत जो सिर्फ वर्डिंग में रहेगी, मन में रहेगी, काम में तो नहीं ना आएगी। नहीं, नेटवर्क में एक्शन लेगा, वो बदला लेगा, उसके लिए कर्ज कर लिया, वो कर्ज ही कर सकता। इस गाने में तो ये अपनी वैल्यू को बता रहा है कि तुम मेरी वैल्यू समझ में आ रहा है तो वापस आ जाए। वो कहते हैं ना कि क्या एक बार होता है, जिससे हुआ वो चली गई, उसके बाद हम किसी और को जिंदगी में चाह पाए नहीं, हम जिंदगी में किसी और को चाह पाए नहीं, तो हम उसी प्यार उन्हीं यादों के सहारे जिंदगी मेरी आगे बढ़ती है। जरूरत तो थी मुझे भी कि कहीं कोई, अब आज की पीढ़ी में सब देख रहे हो कहाँ मिलेगा सब चीज़ें, तो सोच बदल गई लोगों की, जनरेशन चेंज हो गई, प्यार का क्या मतलब चेंज हो गया लोगों के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब सही है पहले सही था, पर मैं बदलाव को महसूस करने की ज़रूरत है कि अब जो बदलाव आया है वो थोड़ा अलग है, आज की पीढ़ी ज़्यादा मैच्योर है। अब कौन ऐसे लव डिसअपॉइंटमेंट के बाद ग्रीफ में पड़ा रहता है, कौन कहता है कि मैं कोई पत्थर से ना मारे मेरे दिमाग में, तो जनरेशन हैज बिकम मोर मैच्योर इमोशनली भी, इमोशनली भी हम ज़्यादा, ऐसा नहीं कि हमको दुख नहीं होता या हम सेंसिटिव नहीं रहे, हम सेंसिटिव हैं, हमको दुख होता है, लेकिन हमको उस दुख को अपने अंदर दफन करने की क्षमता हमने ज़्यादा अधिक विकसित कर ली है। वी लर्न हाउ टू मूव ऑन इन लाइफ, आज की पीढ़ी ने सीख लिया है कि जिंदगी में रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम रुक के ठहर जाए, हमको जीवन में आगे बढ़ना ही है, चाहे कि चाहे अच्छी यादों के साथ या बुरी यादों के साथ। दर्द को दिल में जगह देगा नहीं, शायरी अहमियत से नहीं आती, जिंदगी में क्या जरूरी है लेटर को, उसके लिए दर्द चाहिए। क्यों वो इतना दुखी रहता है, क्योंकि अनवांटेडली अनकॉन्शियसली दे आर अट्रैक्टिंग ग्रीफ इन देयर लाइफ, अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं कर रहे, अनकॉन्शियसली वो ग्रीफ को अट्रैक्ट करते हैं, उस दर्द को पालना सीखो, दर्द को जीना सीखो, दर्द नहीं है तो एहसास के एहसास कहाँ है, जज्बात कहाँ है, वो दर्द में है ना, तो उसको जो मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है उसको, व्हाट इज द रूब्रिक मालूम है सबको, मैसेज है, मैसेज है। मैसेज है मतलब इंजॉइंग द पेन, enjoying the sufferings। तो वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली वो ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं, इससे ज्यादा तन्हाई क्या कोई जिंदगी में हो सकती है, किसी की तन्हाई में इससे ज्यादा, किसी की जिंदगी में चिंटू भैया इस किसी की जिंदगी में इतनी बड़ी तन्हाई क्या हो सकती है, सोचो इतना बड़ा सुन्नापन कैसे हो सकता है किसी के जीवन में, कि तुम नहीं, मतलब जैसे एक ही शख्स से मतलब है, लेटर के वन टू वन रिलेशन होते हैं कि तुम नहीं, अब लेके मत लेना तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, गम भी नहीं तुम्हारा, कि गम के सारे ही चलो शाम गुजर जाती, और शराब भी नहीं कि पी के टन लोगे पड़े रहते हैं आराम से, हमारे यहाँ आता था एक अल्कोहल है, देखो बेटा दो तीन तरह के अल्कोहलिक्स होते हैं, एक तो वो होते हैं जो पार्टी एनिमल, उन्हें खाली मस्ती करनी है, एंजॉय करना है अपना, मस्ती करनी है, एंजॉय करना है बस, उनको अपने एंटरटेनमेंट, अपने प्लेजर ग्रेटिफिकेशन से मतलब, तो अपने प्लेजर के ग्रेटिफिकेशन के लिए शाम हुई पार्टी हो जाए आज, ठीक। दूसरे तरह के अल्कोहलिक वो होते हैं जो स्केपिस्ट हैं, प्लानवादी,
जो अपने दर्द का, अपने गम का, अपनी तकलीफों का सामना करने की जिनके अंदर हिम्मत हुई ना, उनको सुकून मिल जाता है कि सारे दिन भर की टेंशन, गम, तकलीफें, दर्द जीवन का, डिसअपॉइंटमेंट जीवन के, वो सब। अभी मैंने नक्सोन का एग्जांपल दिए, जिंदगी के सारे डिसअपॉइंटमेंट है, उसने सारे डिसअपॉइंटमेंट शराब में डाले, पी लिया। नेट्रम, उन्होंने सारा दुख दर्द अपना शराब में डाला, पी गए। तो एक आता था, मैंने बड़ा इंट्रोवर्टेड से ऐसे बैठा था, उसको कार्डियक प्रॉब्लम था, ब्लॉकेज ब्लॉकेज था। तो पहली बार मैंने उससे जो कुछ पूछा, ठीक, उसका बीपी ज़्यादा रहता था थोड़ा सा, तो बोला कि हाँ डॉक्टर साहब, नेट थोड़े ऑनेस्ट होते हैं, तो वो बता देते हैं ये चीज़, जो उनको खाए वो बता देते हैं कि हाँ डॉक्टर मैं साल को थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने हिस्ट्री ली, इंट्रोवर्टेड सेंसिटिव सा पर्सन, घर में बड़ा बच्चा था, नहीं उतनी उसको सोशल एक्सेप्टेंस मिली। बीवी आई, वो भी कम पढ़ी लिखी, कम सेंसिटिव, कैलकेरिया सीटिया टाइप की, नेटवर्क का काम इतने इतने से चलता नहीं, तो उसके पास जिंदगी में क्या रह गया? तू नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा? आगे क्या बुरी है, बचपन में वो उम्मीद भरी निगाहों से लोगों की तरफ देखना, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई मुझे प्यार करे, शायद कोई मुझे पहचाने। कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन सोचो एक बच्चा, 7 साल का बच्चा, घर में लोगों की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता है, कहता नहीं है, बोलता नहीं है, लेकिन कोशिश करता है कि वो अपने एक्ट से लोगों को खुश रखने की कोशिश करता है, अपने काम से लोगों को खुश रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो लोगों को करीब जाने की कोशिश करता है, फादर मदर लोगों के जाने की कोशिश करता है, तो उसको डांट देते हैं कि बेटा ये क्या कर रहा था तुम, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो थोड़ा सा प्यार चाह रहा था, थोड़ा सा टेंशन चाह रहा था, कि थोड़ा पापा हमारी तरफ ध्यान, तो हमसे प्यार से बात कर रहे हैं। वो बहुत उम्मीद भरी निगाहों से लोगों की तरफ देख रहा है, वो बिल्कुल वैसा बनने की कोई डिसिप्लिन नहीं थी, वो बिल्कुल वैसा बनने की कोशिश कर रहा है जैसा आप उसे चाहते हो, जैसा आप उसे चाहते हो, बिल्कुल वैसा बनने की कोशिश में लगा हुआ है। मैं बिल्कुल पापा वैसा बन जाऊँगा, मैं मम्मी बिल्कुल वैसा बन जाऊँगा जैसा आप मुझे एक्सेप्ट करते हो, मैं बिल्कुल वैसा ही बनूंगा। लेकिन हमेशा उससे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, कुछ छोटी मोटी गलती होती है। अरे हमेशा उससे कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाती है कि डिस्टर्ब कर, कोई ना कोई एक ऐसी छोटी गलती उससे हो जाती है कि वो कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि आपके जैसा आप उससे उम्मीद करते हो वैसा बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल आपका प्यार चाहता है, बिल्कुल आपकी एक्सेप्टेंस चाहता है, वो आपकी नज़रों में अपने लिए थोड़ी सी जगह चाहता है, आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी कि थोड़ी सी कदर तो मेरी हो, थोड़ी सी कदर तो मेरी हो। और वो उसके लिए पूरा एफर्ट कर रहा है, मैं बिल्कुल वैसी बनूंगा आपकी उम्मीदों के, मैं बिल्कुल। लेकिन उससे कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलती हो जाती है, कोई छोटी सी गलती हो गई, उसने एक काम ठीक से नहीं किया, आपने उसको डांट दिया, तो वो अपने आप में सहम जाता है, सिमट जाता है, फिर वो अपने दिल के दरवाजे जैसे बंद करने लगता है, कि लगता है इन लोगों से प्यार की उम्मीद करना शायद मुझे नहीं मिलेगा, शायद मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं कभी भी उनके सपने साकार नहीं कर पाऊँगा, मैं कभी भी शायद उनके जैसा नहीं बन पाऊँगा, शायद कभी भी उनकी नज़रों में अपने लिए थोड़ी सी जगह शायद मुझे ना मिले, शायद मैं बदनसीब हूँ, शायद मेरे नसीब में मेरे माँ बाप का प्यार नहीं है। कौन बच्चा 6-7 साल 8 साल का बच्चा क्या करूँगा, मैं घर छोड़ देता हूँ, सब मुझसे दुखी रहते हैं, सब। मोस्ट पेनफुल टू ए चाइल्ड, मोस्ट सेफेस्ट प्लेस फॉर ए चाइल्ड इज होम, सेफेस्ट प्लेस फॉर ए चाइल्ड इज होम। मैं कोई बच्चा घर छोड़ दे रहा है, या तो वो ट्यूबर फुलाई ना मक्सोल है, या उसके लिए कितना दर्द है उसके मन के अंदर, कितना दुख है कि जिन लोगों को सबसे अधिक जानता है, जिन लोगों से उसे प्यार की पूरी उम्मीद है, जब उन्हीं लोगों की नज़रों में उसे रिजेक्शन मिल रहा है, थोड़ी सी जगह भी नहीं है मेरे लिए किसी के घर दिल में, थोड़ा सा प्यार भी नहीं है मेरे हिस्से में किसी का,
मैं नहीं रहूँगा इन लोगों के साथ में, मैं नहीं रहना चाहता इन लोगों के साथ में, मैं जाऊँगा, मैं भटकता रहूँगा जिंदगी में, मैं मजदूरी करूँगा लेकिन कम से कम प्यार की उम्मीद तो नहीं करूँगा किसी से, क्योंकि घर में किसी से, घर में तो करता हूँ उम्मीद ना, लेकिन घर के बाहर जाऊँगा तो किसी से मुझे, मुझे बाहर लोगों से प्यार की उम्मीद नहीं ना, डांटेंगे मारेंगे ठीक है चलेगा, लेकिन इन लोगों के माँ बाप के सोशल रिजेक्शन, माँ बाप के रिजेक्शन, जब मुझे यही प्यार नहीं करते तो फिर मेरा क्या नसीब, मेरी क्या तकदीर, मेरा की मेरी क्या जगह, कौन हूँ, हाउ दीज पीपल आर लिविंग इवन थिंग, कैसे जी रहे हैं, बस ये चीज़ सुनना चाहता था वो बचपन से, बड़ा होता है वो स्कूल जाता है, स्कूल में भी वही ही ट्राई टू बी बेटर, शायद मैं इस दुनिया के लायक नहीं, मेरे अंदर ही कुछ कमियाँ हैं शायद, शायद मैं कभी वैसा नहीं बन पाया जैसे लोग, मैं वैसा कभी नहीं बन पाया जैसा समाज है, मैं वैसा नहीं हो पाया, मैं वैसा नहीं हो सकता, लेकिन क्या करें, इसी दुनिया में इन्हीं लोगों के बीच में रहना है ना, इसी दुनिया में इन्हीं लोगों के बीच में रहना है, एक ही तरीका है जियो, और क्या बचा, और कुछ बचा तरीका उसके पास, जियो, दो दुनिया, एक मेरे भीतर की दुनिया है, एक आप लोगों की दुनिया है, दोनों दुनिया के बीच में कंक्रीट की एक मोटी सी दीवार, एक मेरे भीतर की दुनिया, एक मेरे बाहर की दुनिया, भटकता रहता हूँ कभी इस दुनिया में कभी इस दुनिया में, एक मेरे भीतर की दुनिया है जिसमें काले घने अंधेरे, जिसमें जले हुई बस्तियां हैं, जिसमें टूटी हुई तस्वीरें हैं, जिसमें टूटे हुए मकान हैं, अंधेरे हैं और गहरा पसरा हुआ सन्नाटा है, एक मेरे भीतर की दुनिया है जो बंजर है, जो तन्हा है, जहाँ कोई नहीं, एक मेरे भीतर की दुनिया है जहाँ सिर्फ मैं भटकता रहता हूँ, भटकता रहता हूँ, बस यूं ही बिना किसी वजह, बिना किसी हासिल की इच्छा के, वो मेरी दुनिया है ना, वो मेरी दुनिया, वहाँ एक छोटा सा घर है शायद खरौदा, जहाँ शायद मैंने अपना बचपन बंजर गुजारा, बचपन गुजारा था, वहाँ सूना पड़ा है, लेकिन मैं अपनी यादों में कभी कभी वहाँ घूम आता हूँ, एक मेरा स्कूल है जहाँ पर मैं तन्हा खड़ा हुआ हूँ, वही छोटी सी उम्र में हमारा क्लास हंस रहा है, खिलखिला रहा है, मुस्कुरा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन उसी स्कूल में एक बच्चा है, उसी स्कूल में एक बच्चा तन्हा कहीं एक कोने पर खड़ा हुआ लोगों के इस आस इस उम्मीद की तरह देख रहा है आशा भरी नजरों से कि शायद किसी के लिए उसके पास भी बच्चे हो, किसी की नज़रों में उसके लिए भी कुछ है, वो मेरी दुनिया है, मेरे भीतर की दुनिया है, उस भीतर की दुनिया में कुछ चेहरे हैं जिनको शायद वो कभी पसंद करता था, जो शायद उसको नहीं होता, उन चेहरों में एक चेहरा शायद कुछ खास भी था, लेकिन अब वो नहीं, उसके भीतर की दुनिया है, ये मेरी दुनिया है, मेरे भीतर की दुनिया है, बंजर, सूनी, तन्हा, जली हुई काली दुनिया, अंधेरी, रोशनी की कोई किरण नहीं है, वो इसमें भटकता रहता है बिना किसी हासिल की चाह के, उसके भीतर तो हाँ ये आपकी दुनिया है,
जगमगाते शहर की रानाइयों में क्या न था, ढूंढने निकला था जिसको बस वही चेहरा। एक आपकी दुनिया है, जगमगाती हुई रोशनियाँ हैं, जगमगाते हुए लोग हैं, हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, पार्टियां हैं, उत्सव हैं, शादियां हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है आपकी दुनिया में। लेकिन आपकी दुनिया में मैं कहाँ हूँ? आपकी दुनिया में मेरे लिए कौन सी जगह कभी थी? आपकी दुनिया में कभी मेरे लिए जगह थी? कभी थी जगह आपकी दुनिया में मेरे लिए? नहीं थी ना। ये आपकी दुनिया है, ये आपके लिए है, इसमें आप ही रह सकते हो। आपकी दुनिया आपको मैं हूँ, मैं कहीं ना कहीं हूँ, शायद आपकी नज़रें मुझ पर नहीं पहुँच पाती, लेकिन मैं हूँ। आपकी दुनिया में कहीं ना कहीं मैं भटकता रहता हूँ। आप बुलाते हैं, हम चले आते हैं, बस चले आते हैं, बट हूँ नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ मैं यहाँ? क्योंकि क्या कर क्योंकि क्योंकि शायद इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह थी ही नहीं कभी। शायद मैं इस दुनिया के लिए था ही नहीं कभी। शायद मैं वैसा बन ही नहीं पाया जैसे इस दुनिया को, इस दुनिया में रहने के लिए जैसा बनने की जरूरत थी, शायद मैं वैसा कभी बन ही नहीं पाया। दूर दुनिया, दीवार के इस पार की दुनिया, दीवार के इस पार की दुनिया। हाँ रहता हूँ, रहता हूँ, आता हूँ कभी कभी आपकी दुनिया में, बट मुझे पसंद नहीं है आपकी दुनिया, क्योंकि इस दुनिया ने मुझे हमेशा ठुकराया है। इस दुनिया में मैं लोगों की नज़रों में अपने लिए नफरत देखी है, मैंने इस दुनिया में लोगों की नज़रों में अपने लिए क्रिटिसिज्म देखा है, मैंने लोगों की नज़रों में अपने लिए इस दुनिया में रिजेक्शन देखा है। मुझे आपकी दुनिया पसंद नहीं है, मैं रहता हूँ लेकिन मुझे आपकी दुनिया पसंद नहीं है। मुझे पसंद है अपनी दुनिया, काले अंधेरों से घिरी हुई, जले हुए मकान, टूटी तस्वीरों से बनी हुई मेरी बंजर दुनिया, मुझे वो पसंद है। क्या चाहता था बचपन, क्या चाहता था? एक ही चीज़ चाहता था, कोई एक शख्स होता जो कह देता कि तुम गलत हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम्हें तुम्हारे बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला तो तुम्हारी गलती नहीं है। जब तुम उस तरह एक कोने में खड़े हुए लोगों की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से, आस भरी निगाहों से देख रहे थे कि हाँ कोई तुम्हें देखेगा, पहचानेगा, एक्सेप्ट करेगा, लोगों ने नहीं किया, दुनिया अपने में व्यस्त रही, तुम गलत नहीं थे, तुम्हारी गलती है। जब स्कूल में और बच्चों के बीच में तुमने अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन अच्छे को किसी ने नहीं देखा, दुनिया उस जगमगाती हुई रोशनियों में जीती रही, उस कोने में तनह खड़े हुए लड़के की तरफ कभी किसी ने नहीं देखा, जो कि चाहता था कि कोई उसको देखे, तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारी गलती नहीं थी। तो अपने आप को दोष मत दो, तुम्हारी गलती नहीं थी। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें प्यार नहीं किया तो तुम्हारी गलती नहीं थी। समाज में उनको रिजेक्ट किया, ठुकरा दिया, तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हारे किनारे, तुम्हें किनारे कर दिया, तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारी गलती। जगमगाते शहर में अगर किसी की नज़र उन रोशनियों की चकाचौंध में इस तरह से खो गई कि उस पर उसकी नज़र तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ी, तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तुम गलत नहीं हो, मैं तुम गलत नहीं थे, तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, तुम जैसे भी हो मुझे मंजूर हो, तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करूँगी, ऐसे ही चाहूँगी, तुम जैसे ही हो ऐसे ही रहना बस। अगर तुम्हें रोना है तो रो लो, कई जन्मों से तुम रोए नहीं,
मेरा कंधा है, मेरी गोद है, मेरी गोद में सर रखे अगर तुमको रोना है तो रोलो, रोलो आज। कितने दिनों की प्यासे होंगे यारों से उठे, कितने दिनों की प्यासे होंगे। उस प्यास की सीमा को समझो कि सबनम का कतरा भी जिनको दरिया लगता है, यानी कि उसकी भूल भी लग रही है कि उसकी प्यास का अंदाजा समझो, उसकी लैक ऑफ लव व्हाट ही फेल्ट इन हिज लाइफ। तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं। गाहे गाहे बगाहे मुझे पढ़ा कीजिए, गाहे बगाहे मुझे पढ़ा कीजिए, मुझसे बेहतर कोई किताब नहीं। तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं। मेरी तन्हाइयों तुम ही लगा लो मुझको सीने से, कि मैं घबरा गया हूँ इस तरह रो रो के जीने से। ये आधी रात में कुछ चूड़ियाँ सी क्या खनकती हैं, कोई आता है या मेरी ही जंजीरें छनकती हैं। ये बातें किस तरह पूछूं मैं सावन के महीने से, मेरी तन्हाइयों तुम ही लगा दो मुझको सीने से। इसको कहते हैं कि दर्द बढ़कर सुहाना हो जाए। मैं सोच रहा तो वो कहते हैं कि नेटरम को क्या चाहिए, वो नेटरम दे आर अट्रैक्टिंग पेन टुवर्ड्स देम। ये इंसान क्या कर रहा है, दोस्ती की लोगों से मिला, दोस्तों से लोगों से मिला, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसका यूज कर लिया, उसका इस्तेमाल कर लिया, अपने फायदे निकाल लिए, उसके बाद उसको इग्नोर कर दिया। और इस स्लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ रिजेक्शन, वहां पर उसको क्या मिला, ठोकर, रिजेक्शन। कितने दिनों के प्यासे होंगे यारों से उठे, क्या चाहिए सबनम का कतरा, कितने दिनों के उसका बंजरपन, उसका सूखा। उसने समाज से दूरी बना ली, लेकिन उसको चाहिए तो था समाज में एक्सेप्टेंस, उसने समाज से दूरी बना ली, समाज से उसने दूरी बना ली, समाज से खुद को जुदा कर लिया, लेकिन समाज में रहा ना। एक मेरे भीतर की दुनिया, एक मेरे बाहर की दुनिया, रहता है लोगों के बीच में, रह रहा है लोगों के में, की नजरों में उसकी अच्छी इमेज है, सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है, क्योंकि उसे समाज में एक्सेप्टेंस चाहिए थी। समाज में एक्सेप्टेंस करने के लिए उसने लोग मुझे स्वीकार करें, लोग मुझे पहचानें, लोग मुझे इज्जत दें, लोग मुझे सम्मान दें, लोग मुझे प्यार दें। जो बचपन में वो माँ बाप की नज़रों में तलाश कर रहा था, स्कूल में जो वो टीचर और दोस्तों की नज़रों में तलाश कर रहा था, और समाज में जो वो समाज की नज़रों में तलाश कर रहा था, वो उसे नहीं मिला और उसको चाहिए था। कितने दिनों के प्यासे होंगे यारों से उठे, उसको जो सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए थी, वो सोशल एक्सेप्टेंस उसको नहीं मिली। उसने कितना कोशिश की, सोशल एक्टिविस्ट बन गया, सामाजिक कार्यकर्ता बन गया, लेकिन हमारा समाज, हमारी दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। कुछ नहीं मिला। समाज अपने में खुश है, अपने में मस्त है, अपनी समस्याओं में, अपनी खुशियों में, अपने त्योहारों में, किसके लिए वक्त है उसके पास, किसके लिए वक्त है उसके पास, किसी के लिए है उसके पास वक्त, किसी के लिए उसके पास वक्त, किसी के पास इतना वक्त है कि जो ठहरे, उसको समझे, उसको पहचाने, उसको ये भरोसा दिलाए कि तुम्हें जरूरत नहीं है ये कोशिशें करने की, जो तुम समाज में अच्छा बनने के लिए, दिखने के लिए करते रहते हो, तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे अच्छे। तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम अच्छा दिखने की कोशिश करो, समाज में अच्छा बनने की कोशिश करो। तो तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं थी बचपन में, तुमने अच्छा बनने की कोशिश की थोड़ा सा प्यार पाने के लिए। तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि तुम स्कूल में, समाज स्कूल में, टीचरों में, बच्चों में कोशिश करते अच्छा दिखने की, थोड़ी सी एक्सेप्टेंस पाने के लिए। तुम्हें आज भी जरूरत नहीं कि तुम समाज में सोशल सर्विस लोगों के कामों में लगे रहो, क्यों, समाज की नजरों में थोड़ी सी इज्जत पाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो अच्छे हो, यू नॉट, यू नीड नॉट टू ट्राई,
तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम कोशिश करो अच्छा बनने की, अच्छा दिखने की, जैसे समाज तुम्हें स्वीकार कर सके। तो समाज स्वीकार नहीं कर रहा है, वो समाज तो कर ही नहीं रहा है स्वीकार, लेकिन तुम कितनी कोशिश में लगा हुआ हो बचपन से, बचपन से ही कितनी कोशिश में लगा हुआ, कितने दिनों के प्यासे होंगे। फाइनली मोस्ट वर्स्ट कंडीशन ऑफ नेटरल लाइफ, मोस्ट वर्स्ट कंडीशन ऑफ द नेटरल लाइफ, उसने सब कुछ करके देख लिया, उसने सब कुछ करके देख लिया समाज में थोड़ी सी, कि जिससे समाज में लोग उसको पहचाने, लोग उसको समझें, उसकी फीलिंग्स को समझें। टॉकिंग इन हिज ओन प्लेजर, टॉकिंग इन हिज ओन प्लेजर, कहां इंट्रोवर्टेड, वहां इंट्रोवर्टेड, वहां सेंसिटिव। लेकिन अब ये नेटरम है जो लिपस्टिक लगाती है, बाल कलर करवाती है, जगमगाते शहर की रानाइयों में क्या ना था। आपका शहर ऐसा ही है, आपका समाज ऐसे ही है, आपकी दुनिया ऐसी है, शायद उसे भी ऐसा ही बनना पड़ेगा क्या, उसे भी ऐसा बनना पड़ेगा क्या, तब शायद लोग उसे पहचानेंगे। बाल कलर कर लिए, लिपस्टिक लगा ली, मेक ओवर मेकअप कर लिया, वो दुबली पतली सी लड़की बहुत सेंसिटिव सी थी बचपन से, जिन्होंने जिसने अपने आप को हमेशा जुदा तना रखा, हमेशा कोशिश करती थी लोग उसको पहचाने, लेकिन नहीं पहचाना तो उन्हें नहीं दे। कितने दिनों की प्यासी होंगे यार, वो सोचो कितनी वर्स्ट कंडीशन है। के लिए इससे ज़्यादा पैथोलॉजिकल क्या हो सकता है कि वो अपने बाल लगा ले रही है, वो लिपस्टिक लगा ले रही है, वो समाज में जा रही है लोगों के बीच में ना, आई डोंट, वो पार्टीज में सी टुक अ वाइन ग्लास इन हिज हैंड एंड आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ, दिस इज बिलो स्टैंडर्ड। मैं तो इंडियन बुक्स पढ़ती नहीं हूँ, मैं तो फॉरन इंग्लिश मैगजीन्स पढ़ती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मुझे पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, यू नो दैट आई यूज दिस, आई यूज दैट, आई यूज दिस ब्रांड, आई यूज दैट ब्रांड। कितने दिनों के प्यासे हो गए यारो, सोचो तो क्या थे, क्या हो गए और जाने क्या हो गए, क्या थे, क्या थे, क्या थे, क्या हो गए, क्या हो गए, क्या बना दिया तुमने, तुम्हारे समाज में उसको क्या बना दिया आज, कि समाज में थोड़ी सी एक्सेप्टेंस लाने के लिए आज उसको वोकल होना पड़ रहा है, आज उसको मानना पड़ रहा है कि थोड़ा सा प्यार दे दो, थोड़ा सा उसको समझो, वो आप समझा रही है अपने आप को। आई डोंट लाइक दिस, आई लाइक दिस, आई डोंट यूज दिस, आई यूज दिस ब्रांड। वो जगमगाता शहर एक नेटम की हत्या कर दी, उसको नेटम मर गया, कैसे जैसी बिहेव कर रही है, नेटम की आत्मा को मार दिया तुम लोगों ने, तुम्हारे समाज में क्या बना दिया उसको यार। वो खुद को एक्सप्लेन कर रही है, नेटम वहां इंट्रोवर्टेड, वहां सेंसिटिव, वहां विड्रॉइंग, अब वो चार लोगों के बीच में जा रही है, पार्टी में जा रही है, क्यों, शायद अब तो समझो मुझे, अब तो समझो, तो मैं समझा रही हूँ, अब तो समझो मुझे कि मैं बुरी नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो, सोचो तो सबनम का कतरा भी जिनको दरिया लगता है, क्या किया तुमने, लव विद रॉन्ग पर्सन, विद मैरिड मैन, विद ड्राइवर, कितने दिनों के प्यासे हो गए यार, तो उस एक सपनों का कतरा जो उस ड्राइवर के अंदर उसको दिख गया, जो रॉन्ग मैन के अंदर दिख गया, जो मैरिड मैन के अंदर दिख गया, जहाँ उसको लग रहा है कि हाँ शायद ये मुझे समझता है, शायद ये मुझे समझेगा, शायद ये मेरी फीलिंग को कदर करेगा, शायद ये मुझे अपनाएगा, शायद ये, शायद मेरी जिंदगी का कोई तो सहारा बनेगा। कितने दिनों के प्यासे हो गए यार, अब आज उसको अगर कोई मिला, वो ड्राइवर ही सही, वो मैरिड में नहीं सही, अगर उसको मिला, बचपन से तो नहीं मिला कोई ना, तब उसको कोई, कोई उसकी काली अंधेरी दुनिया में कोई झांकने आया, सब अपने जगमगाते शहर की रानाइयों में व्यस्त थे ना,
जब वहाँ तक शहर की रोशनी में सब सोए हुए थे ना, किसी ने उसके अंदर झांक के देखा कि वो अंदर कैसे घुट रही है, कैसे जी रही है, किस प्यार की तलाश में, थोड़े से प्यार की तलाश में, एक बूंद प्यार की तलाश में, किसी ने देखा? और आज अगर कोई शख्स ऐसा आ गया जो उसके दर्द को समझना चाहता है दिल से, कोई ऐसा शख्स आ गया इसके कंधे पे सर रख के वो रो तो सकती है कम से कम, कोई ऐसा शख्स आ गया जो जिसको जिसको वो अपने दिल का हाल बयां कर तो सकती है या ना बयां करे, वो कोई ऐसा शख्स है इस दुनिया में जो उसका दिल के हाल को समझता तो है, वो कहती नहीं है लेकिन वो समझता है, उसका दुख दर्द तकलीफ उसकी जरूरत है वो समझता है। अगर कोई ऐसा शख्स उसको मिल गया तो फिर क्या वो ये देखेगी कि शख्स राइट है या रॉन्ग? कितने दिनों के प्यासे हो, तो सबनम की बूंदी मिली उसे, यारों सोचो थे गलत रूप में मिली, गलत आदमी के जरिए मिली, रॉन्ग पर्सन के रूप में मिली, लेकिन वो सबनम का कतरा भी तो उसके लिए दरिया के बराबर ही है। भूख लग रही है, ये कहानी खत्म होने वाली नहीं है।